नमस्कार दोस्तों, मैं संवाददाता सोनू कश्यप शुरुआत करता हूँ कुछ बड़ी खबरों से। अब तक की बड़ी खबर आ रही है धनसी नगर के काशीपुर से। इस समय हम मौजूद हैं द्रोण सागर तीर्थ स्थल पर। दोस्तों कल मैं और मेरी टीम ने यहाँ मिलकर द्रोण सागर पर 2 से 3 घंटे लगातार मेहनत की और यहाँ जो तालाब में गंदा कचरा फैला था, आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, जो कचरा तालाब में फैला था इसे बाहर निकाला। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमने ये कचरा बाहर निकाल कर रख दिया। उसके बाद हमने इस कचरे के निष्कासन के लिए भी दिया कि इस कचरे को वो 15 सितंबर उन्होंने कचरा बाहर निकाला था ये, और उन्होंने उसी दिन हमें आश्वासन दिया कि कुछ ही घंटों में मैं नगर निगम गाड़ी भेजकर इस कचरे को यहाँ से निष्कासित करवा दूंगा, हटवा दूंगा। लेकिन आज 16 सितंबर है, सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन आप मेरे पीछे नज़ारा देखते हैं कचरा यहीं का यहीं पड़ा है। तो क्या इस स्वच्छता ही सेवा मिशन पर भी सियासत की रोटियाँ सेकी जा रही हैं? क्या नेता अब भी विपक्षी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं? इस चीज़ पर यहाँ की आम जनता क्या राय है, हम आपसे आपकी आम जनता से यहाँ बात कराएंगे क्या वो इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए एक कचरे ढेर ये है मेरे पीछे और 2 कचरे ढेर पीछे भी हैं। लगभग 3 घंटे कड़ी मशक्कत की मेरी टीम हर्षित वर्मा, चौहान और शुभम ने मिलकर यहाँ मेहनत की, अंदर सरिया लाकर डंडे लाकर यहाँ कचरा निकाला। उसके बाद भी कचरे की स्थिति यहीं देखेंगे, कुछ दिन बाद क्या होगा, ये कचरा सूख जाएगा यहीं पर, उड़ के फिर दोबारा तालाब के अंदर पहुँच जाएगा और जो यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ के आम जनता जो है नागरिक आते हैं दौड़ने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए, योगा करने के लिए, हम उनसे आपकी बात कराते हैं, वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जी, सर हमने जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे इतना कचरा हमने निकाला 15 सितंबर के दिन स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत, आम युवा जब जाग रहा है तो नेता इसके खिलाफ क्यों उसे रोक रहे हैं? देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 तारीख से स्वच्छता मिशन का कार्य चालू किया और ये वॉलंटियर जो हैं इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। बिना किसी पैसा लिए हुए इन लोगों ने, लड़कों ने मिलके, युवा वर्ग ने ये सारा कचरा निकाला, लेकिन इस कचरे का यहाँ पर कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा। तो आप ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या निर्देश देना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं देना चाहेंगे, हम तो यह है कि कल को ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर कोई वॉलंटियर किसी काम को अंजाम दे रहा है तो हमारी भी ये वो बनती है जिम्मेदारी कि उसके उनके साथ मिलके हम भी मतलब इसमें अपना सहयोग दें और इस कचरे का निस्तारण करें, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत रमणीक स्थल है और लोग सुबह यहाँ घूमने आते हैं और उनके अपने स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए आते हैं। अगर ये कचरे का निस्तारण समय से नहीं होगा तो यहाँ का पर्यावरण खराब होगा और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए देश के युवा की जहाँ सोच इतनी अच्छी है, एक सही डायरेक्शन में जा रही है, कुछ ना कुछ अपनी गलतियाँ करके उसे रोक देते हैं। भाई कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उन सबकी बात कराएंगे, वो इस बारे में क्या कहेंगे। चलो भाई। ओके सर, आपका नाम? लखन चौहान। लखन चौहान जी, आप यहीं पर है? हाँ यहीं पर है। सर हमने जैसे कि आप बताया कि कचरा निकाला यह था 15 तारीख के दिन कि मैं इस कचरे का निस्तारण हाल ही में करवा दूंगा 1 से 2 घंटे में, लेकिन आज 16 सितंबर है, सुबह के 9 से 10 बज चुके हैं, इस कचरे का निस्तारण नहीं किया गया। तो आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? ये कचरा तो हटाना चाहिए था यहाँ से, इससे कई तरह की बीमारियाँ फैल जाएंगी और यह हमारे स्वास्थ्य में गलत प्रभाव डालेगा। ये घूमने का स्थल है, यहाँ पर लोग बीमारियों से दूर होने के लिए घूमने आते हैं और यही स्थिति बनी रही तो स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय और ख़राब होता जाएगा। और इस समस्या को हमें बहुत बड़ी समस्या के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका हमारे ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है अगर ऐसी रहा तो उन पर भी गलत प्रभाव पड़ेंगे। आज का युवा जागना चाहता है मगर कुछ लोग हैं ऐसे सामाजिक तत्व जो साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं और उल्टा विरोध कर रहे हैं। देख कल तो उन्होंने कचरा तो हटाया नहीं, आज हमने आकर सुबह ही पहले कहा कि अभी कचरा इतना नहीं है, अभी कचरा इतना यहाँ नहीं पड़ा, लगाई वाला लगा पूरे पैसे ले लेगा, इस बात को लेगा उन्होंने इस काम को टाल दिया है। तो क्या जब यहाँ कचरे के ढेर लग जाएंगे, सड़कों पर कचरा पहुँच जाएगा, तभी साथ अंजाम लिया जाएगा, तब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? जब कोई बड़ी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी तब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? मोदी जी आपसे मेरा निर्देश है, ऐसे ने जिन्होंने इतने कचरे को हमने अपनी तरफ से एक निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के इतना कचरा निकाल के बाहर डाला, हमने देश के इस मिशन से जुड़े थे हम, स्वच्छता ही सेवा मिशन से जुड़े, लेकिन कुछ इस चीज़ को यहीं कचरा अभी भी पड़ा है, कचरे के हालात आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या करें ऐसे में, आम जनता क्या करे, आम युवा क्या करेगा, आप बताइए मोदी जी क्या करेगा? जब देख आप कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, मतलब ये कचरा यहाँ से निकल कर रोड पर पड़ जाएगा, वो देखिए पीछे भी 2 कचरे के ढेर पड़े हैं। देखिए ये सारे इन्होंने भी कल हमारा सहयोग दिया था, कल कचरा साफ करवाया था, इनसे पूछिए कल कितनी मेहनत की थी। सर आपने कल कितनी मेहनत की थी यहाँ कचरा निकालने में? जी हमने 2-3 घंटे यहाँ बहुत मुश्किल से कचरा निकाला था और काफ़ी लोगों ने देखा भी था और वो कह भी रहे थे इस तरीके से
और हमने इनसे इन लोगों से भी कहा, पर इन लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया। इन्होंने कहा ठीक कचरा उठा लेंगे, पर फिर ऐसे ही रहा। फिर ये हमने बहुत प्रेशर भी डाला इनके ऊपर, कई लोगों ने कहा, पर ये निर्देश है आपके लिए जो से आश्वासन दे सकते। ऐसे नेता को तो ऐसी बात है वोट देनी नहीं चाहिए, हमको पहले ही बताना चाहिए कि हाँ कैसे नेता हैं, ऐसे अच्छे किसी तरह के नेता ही ना हो। और इससे अच्छे तो पंडित जी से भी कहा था हमने, कोई वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि वो भी टाल लें हमारी बात को, और अब क्या करें, अभी नहीं उठे फिर हमें उठाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि हम देखिए ये तो कुछ किया नहीं है। अब हमारा निर्देश है मोदी जी और यहाँ के और नेताओं से, ये कचरा लगभग दो ढाई कुंटल तक कचरा यहाँ पर फैला है, इस कचरे को जल्द से जल्द विधायक और अन्य नेता जो काशीपुर के डीएम एसडीएम सबसे हमारा निर्देश है जल्द से जल्द इस कचरे को उठाएं, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, एक स्वच्छ स्थल है, यहाँ घूमने आते हैं लोग। इससे यहाँ पे आने से लोगों का अगर ये कचरा यहाँ पा रहा तो स्वस्थ बनने के बजाय यहाँ स्वस्थ और बिगड़ना शुरू हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ संवाददाता सोनू कश्यप, कैमरामैन चौहान के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, बी न्यूज़।